सर जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का, तो सर क्या हम सच में एक विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि सर हमारी राजनीति मोस्टली सर रिजर्वेशंस, फ्री स्कीम्स, रिलीजन और कास्ट पे ज़्यादा चलती है सर। सर हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, 3री बनने जा रहे हैं। सर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन एज अ सोसाइटी क्या हम डेवलप हो रहे हैं? क्योंकि हिंदू रिलीजन सर आज भी बात चलती है, क्योंकि डेवलपमेंट सर सारे प्रधानमंत्रियों के शासन में हुआ है, लेकिन एज अ सोसाइटी आज भी सर हम बटे हुए हैं सर, वही राजनीति कंटिन्यू चलती जा रही है सर। ओके, एक और सवाल ले लेते हैं। ये इस सवाल का उत्तर मेरी एक रिक्वेस्ट है। हाँ। जैसे सवाल पूछा उत्तर ले लीजिए, जितना भी समय आप दे, सेकंड एक चलिए बोलिए, उससे क्या होगा कि मेरे लिए भी आसान है और उस हमारे भाई को भी लगेगा, बहन को लगेगा कि उत्तर। सवाल बेसिकली ये है कि आप डिविजन ज्यादा है। पेशे से वकील हूं, एक बारी में पॉइंट पकड़ लेता हूं। सुनिए, आपने जो कहा, बहुत गर्व से एक बात कहता हूं कि हमारी सोसाइटी से ज्यादा कोई सोसाइटी टॉलरेंट नहीं है। संविधान देखिएगा, वी द पीपल, हमने अपने आप को एक संविधान दिया और यहाँ बहुसंख्यक जो है वो हिंदू हैं, फिर भी हमने कहा हम पंथ निरपेक्ष रहेंगे। ये खूबसूरती है इस भारत की। और कोई अगर किसी भी धर्म को गाली देता है तो वो एक एक्सेप्शन है, वो कोई रूल नहीं है। आपने कहा सभी ने जो है डेवलपमेंट किया, बिल्कुल 5 साल 10 साल सरकार रहेगी तो डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन उसकी पेस, उसका मैग्नीट्यूड क्या है ये मैं आपको बताता हूं। 2014 तक एम्स 8 थे और इसके बाद 10 साल में मोदी जी ने 15 बनाए। आईटी 2014 तक 16 थे, 7 आईटी बने केवल 10 साल में। आईएम 13 थे 2014 तक, 55 साल कांग्रेस सत्ता में रही थी, 8 बने हैं आईएम पिछले 10 साल में। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ पेस। ओके, अगला सवाल। और दूसरी बात, ईमानदारी कि एक एक पाई जनता की जो है वो किसी लाभार्थी के पास जा रही है, उसमें कोई घोटाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। सर सर सुबह से जितने भी बीजेपी के प्रवक्ता है सबने सीटें गिनाई कि हम इतनी सीटें लाएंगे, इतनी इतनी सीटें आएंगी, पर किसी ने भी सर रोजगार पर बात नहीं करी, किसी ने लद्दाख पर बात नहीं करी, किसी ने भी मणिपुर पर बात नहीं करी। उस पर मेरा सवाल है कि आप क्या कहेंगे इन तीनों चीजों पर? आपके तीन सवाल हैं, मैं तीनों पे कोशिश करता हूँ शॉर्ट में उत्तर दे दूं। पहला आपने रोजगार पे कहा, तो EPFO डेटा जो है सबसे ज़्यादा साइंटिफिक तरीका है ये जानने का कि कितनी नई नौकरियां लगी, क्योंकि EPFO अकाउंट खुलते हैं। तो पिछले 10 साल में 18 करोड़ EPFO के अकाउंट्स खुले हैं, तो 18 करोड़ नई नौकरी ये हुई। दूसरी बात, केवल नौकरी देना नहीं होता है, आप में भी कई लोग होंगे एंटरप्रेन्योर्स हैं, मानक जी हैं, मैं इनको एक बहुत ही एंटरप्रेन्योर पर्सन मानता हूं। तो करीब 44 करोड़ मुद्रा योजना में लोन मिले, इसका मतलब किसी ना किसी को लाभ मिला सरकार से और रोजगार के अवसर पैदा हुए। तीसरी सबसे बड़ी बात, हम लोगों ने कहा एक साल अभी लास्ट जो सरकार का है इसमें हम करीब 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, और मुझे गर्व है इस बात का कि बहुत कम समय में, एक साल के समय में हमने 8 लाख सरकारी नौकरियां केंद्र की सरकार ने दी। यह आपका नौकरी पे हो गया। लद्दाख पे आपने कहा, लद्दाख पे मैं बहुत सोच समझ के एक तस्वीर आपको दिखाता हूं और ये सवाल पूछना चाहिए। और आज जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया तो मैंने वो मैनिफेस्टो देखा। जो लोग कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पे सारी जानकारी, राइट टू इंफॉर्मेशन में नागरिकों के पास होनी चाहिए, मैं गलत ही सही लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जनता को भी ये जानने का हक है कि चीन के साथ ये समझौता किया था, क्या ये सार्वजनिक नहीं होना चाहिए कि इसमें ऐसा क्या करार कांग्रेस पार्टी ने किया है, किस जानकारी को साझा करेंगे? ये बड़ा एक सवाल है जिस पे कोई कांग्रेस लीडर आज तक मुझे बोलता हुआ नहीं सुनाई दिया। और लद्दाख पे एक बात कह दूं, 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन भारत की जो गई, वो जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तब गई, और प्रधानमंत्री जी ने एक लाइन बोली थी कि 1 इंच भूमि भारत की पिछले 10 साल में किसी माइका लाल में हिम्मत नहीं है कि वो छीन सके। और सबसे बड़ी बात है, हमारे 20 जवानों की शहादत हुई, कर्नल संतोष बाबू ने अपनी जान दे दी, और राहुल गांधी ने कहा भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई है। तो मैं एक लाइन कह के अंत करूंगा, भारतीय सेना ना कभी किसी से पिटी थी, ना पिटी है और ना पिटेगी, घुस के ठोकेगी। ये है भारतीय सेना, सरकार किसी की रहे। अगला सवाल, नेक्स्ट। सर माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, जहाँ तक मैंने पढ़ा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज आपके आपके एसेट्स सेफ रहें और आपकी लाइबिलिटीज़ कम हो। सर जहाँ तक
मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा है हमारे एसेट्स तो कम हो रहे हैं, तो ये कैसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रही है? नहीं, आपने जो सवाल पूछा है मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। अगर किसी भी देश की इकोनॉमी के बारे में आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा उसकी फाइनेंशियल स्टेट क्या है। ठीक है, पहली बात यह है कि, और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ, वी हैव बिकम द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। ठीक है, फ्रॉम 11th लार्जेस्ट दैट वी वर, अब पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर आप हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट देखें, वो एक बहुत अच्छा मानक है कि सरकार कैसे चल रही है। जो रेवेन्यू आ रहा है और जो खर्चे हैं, उसमें रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है या खर्चे ज़्यादा हैं? तो जो यूपीए के समय में था उससे हमारा कम हो गया। तीसरी बड़ी बात है इकॉनमी में, जो लोग महंगाई पे भी बात करते हैं, इस मुद्दे को भी मैं उठा रहा हूं आपसे, कि वो महंगाई डबल डिजिट में कांग्रेस पार्टी की सरकार में थी, हमारे समय में औसतन 4% रही है, लेकिन ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। और एसेट्स बनाने की बात जहां तक है, तो मोदी जी की सरकार में ही 100 यूनिकॉर्न कंपनीज भी बनी है। तो सरकार तो अर्थव्यवस्था को मजबूत कर ही रही है, लेकिन प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी आज वेल्थ क्रिएशन कर रहे हैं, जो बहुत ही शुभ। ओके, अगला सवाल। नमस्कार सर, मेरा नाम कृष्ण प्रिया है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के सैर पर गए थे, वहाँ उनका दौरा गया था सर। मणिपुर से होकर गए थे पर मणिपुर पर ठहरे नहीं, एक भी स्टेटमेंट नहीं बोला सर, क्या ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें? ये मेरा सवाल है। धन्यवाद। देखिए, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि बहुत परिपक्व ऑडियंस है और ये चीखम चिल्ली नहीं हो रही। आपने मुझे बुलाया है, मैं बिल्कुल ईमानदारी से अपनी बात रखूंगा। जब प्रधानमंत्री के साथ एक कैबिनेट होता है, हर मंत्री का एक मंत्रालय होता है, और ऐसा कभी नहीं होता है कि ये कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है कि तालमेल ना हो। गृह मंत्री अमित शाह जी, जो कि आज तक के सबसे मजबूत, वन ऑफ दी टफेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट होम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, सरदार पटेल जी की छवि उनमें लोग देखते हैं, वो स्वयं मणिपुर गए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट मणिपुर स्वयं गए थे। ये मामला सर्वोच्च न्यायालय तक गया। मैं आपको बताऊं, वहां पे सिचुएशन इतनी सेंसिटिव है, एंड ऐसा नहीं है कि भाजपा की सरकार में हो गई, ये एक पुरानी एक समस्या है। एक परिपक्व नेता जिसके ऊपर देश की जिम्मेदारी है, बहुत सी चीजों का गहन अध्ययन करता है, प्रोज एंड कॉन्स देखे जाते हैं कि किस लेवल तक इंगेज करना है, किस लेवल तक वेट करना है। लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा, आज की तिथि में मणिपुर में बहुत सुधार आया है और हम प्रतिबद्ध हैं कि मणिपुर में भी पूरी तरह से शांति हो। और एक बात और कह देता हूं कि कुछ तस्वीरें सामने आई थी, बहन चाहे मणिपुर की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे कर्नाटका की हो, वो हमारी बहन है, वो शर्मसार करती है हर उस व्यक्ति को। मैं समझता हूं मेरी पार्टी ने भी उसका संज्ञान लिया था और हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि वहां पे जैसे कश्मीर में पत्थरबाजी कभी होती थी, अब पत्थर बदल के कंप्यूटर हाथ में है, किताब है, ऐसे ही मणिपुर का। ओके, अगला सवाल, नेक्स्ट। हेलो सर, बीजेपी ने लद्दाख को अपने मैनिफेस्टो में 6 शेड्यूल का वादा किया था और आज सर वो उस अपने वादे से पीछे हट रही है। सोनम वांगचुक और लद्दाख के बहुत से लोग अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपका एक भी लीडर